निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी दे दी गई है, जबकि ऐवानी वज़ीर आज़म में इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ऐवानी सदर में निगरान वज़ीर आज़म की हलफ बरदारी के लिए भी तैयारियाँ जारी हैं। ज़रा ऐवानी सदर के मुताबिक हलफ बरदारी के वक्त का तायुन फ़िलहाल नहीं किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म के तौर पर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। शहरयार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शहरयार बताएगा क्या अपडेट्स हैं हलफ बरदारी की तकरीब के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से, क्या इत्तला है? देखिए, जो शहबाज शरीफ की जानिब से वजीर आजम हाउस के मुखालिफ किया गया है और ऐवान वजीर आजम इस वक्त अपने नए मकीन का मुंतजर है। इस बात की जा रहा है कि निगरान वजीर आजम सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। हलफ बरदारी होगी। हलफ बरदारी के बाद निगरान वजीर आजम जो है वो पी एम हाउस पहुंचेंगे और पी एम हाउस में निगरान वजीर आजम का स्टाफ से तारुफ करवाया जाएगा। और इस हवाले से ऐवान सदर में बताया जा रहा है कि निगरान वजीर आजम की हलफ बरदारी की तैयारियां जारी हैं। हलफ बरदारी के लिए फिलहाल वक्त जो है अभी तक वो तय नहीं किया जा सका है। जैसे वो वक्त तय होगा उसका ऐलान किया जाएगा और उसके बाद जो है जब निगरान वजीर आजम पहुंचेंगे ऐवान सदर तो उन्हें जो है एक तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उसके बाद उन्हें जो है अपने स्टाफ से तारुफ करवाया जाएगा, उसके बाद जो अहम वजारतों के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी और उन्होंने क्या क्या करना है आईन के मुताबिक ये सारा का सारा उधर उनको ब्रीफ किया जाएगा। जी ठीक है, अभी हलफ बरदारी की तकरीब के हवाले से वक्त नहीं बताया गया। बहुत शुक्रिया शहरयार खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।